मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आह, मेरा चश्मा। अरे, इस पर बैटर लग गया है। दादी, मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है। मैं इसे हर समय खा सकती हूँ। सोफी, और मेरे रेस्टोरेंट में केवल सबसे अच्छे डिशेस परोसे जाते हैं। शेफ, मुझे खुशी है कि तुम सब मेरे लिए यहाँ हो। अब समय आ गया है कि हम अपनी कलिनरी चैलेंज शुरू करें। चलो तरबूज से शुरू करते हैं। मुझे बस कुछ अलग सा चाहिए। अलग सा? और ऐसे तरबूज में क्या खराबी है? मुझे लगता है कि मॉली को भी इसे देखकर भी खुशी होगी। मैं अब आराम करूंगी। यह कितना भारी है। शेफ, मेरी मदद करो। ओह, मैंने इसे लगभग तोड़ दिया था, लेकिन यह सब ठीक है। हाँ, धन्यवाद। यह खाना पकाने का समय है। सबसे पहले मुझे ऊपर से काटना होगा। ऐसे। सावधानी से मैंने इसे काट दिया। इसके बाद मैं पल्प को मिक्स करने के लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल करूंगी। ध्यान रखना है कि सावधानी से करना है, नहीं तो मैं खुद को गंदा कर दूंगी। ओह दादी, दादी, एक साधारण तरबूज से कुछ बनाना बोरिंग है। मैं कुछ मुश्किल काम करने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है, जिसे अब मुझे सांचों में डालना होगा। देखो, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके सारे सांचों में, और यह तैयार है। और अब मैं लिक्विड स्किटल्स लूंगा, जिसका स्वाद क्लासिक कैंडी जितना ही अच्छा है। चलो ट्यूब से कैंडी निचोड़ कर बैटर में मिलाएं, और इसका स्वाद सच में बहुत अच्छा है। प्रत्येक में अलग रंग, यह बैटर को एक अलग रंग देगा। अच्छे से मिक्स करना है। ऐसे सबको मिक्स कर लिया, और अब इसे अवन में डालना होगा ताकि डो पक जाए। देखते हैं क्या होता है। और मुझे तरबूज में जिलेटिन डालने की जरूरत है। मैं कुछ कैंडी बनाना चाहती हूँ, लेकिन केवल जिलेटिन काफी नहीं है। थोड़ा शहद भी कोई बुरा नहीं होगा। उन्हें तरबूज में भरने की जरूरत है। ओह, ये बहुत भारी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। अरे नहीं, एक मधुमक्खी शहद के पास आ गई है। ओह, हटो यहाँ से, निकल जाओ, मैं तुम्हें भगा कर ही रहूंगी। हटो यहाँ से। ये लो, और ये लो, देखो मैं क्या करती हूँ। ये लो। ओह, यहाँ। ओह, मधुमक्खी। उफ, ऐसा लगता है मुझे ना केवल मधुमक्खी से छुटकारा मिला, बल्कि अनजाने में सोफी से भी छुटकारा मिला। खैर, मैं अपना काम करती हूँ। आपने क्या किया दादी, दर्द हो रहा है। ओह, एक नया लाए। मेरा होममेड केक तैयार है। अभी उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाना होगा, और उन पर अच्छे से क्रीम लगाना होगा। और अब अगला काम है उन्हें गोल आकार देना, और फिर उसके ऊपर भी अच्छे से क्रीम लगाने की जरूरत है। ऐसे सब ओर से, और अब यह तैयार। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम वही लिक्विड स्किटल्स का इस्तेमाल करते हैं। इस बार मुझे केवल हरे रंगों की जरूरत है। मैं इससे अपने तरबूज केक को रंगूंगा। यह काफी स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा, यह एक मास्टरपीस तैयार होगा। देखो कितने सुंदर रंग है। मेरा सब तैयार हो गया। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? दिलचस्प, लेकिन तरबूज जेली भी बहुत स्वादिष्ट है। देखो यह कितना अच्छा है। सावधानी से कुछ टुकड़ों को काटकर प्लेट पर रखना होगा। मुझे लगता है कि मॉली खुश हो जाएगी। हाँ, कितना सुंदर पीस है। वाओ, सबके पास कितने अलग अलग तरह के तरबूज हैं। क्या सच में मैं हारने वाली हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने तरबूज में फैंटा डालूंगी। हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी एक बहुत ही अलग सा तरबूज होगा। मॉली, चलो अब विनर चुनने का समय है। वाओ, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। सोफी, तुमने तरबूज में खाली बोतल क्यों डाली है? ये बहुत अजीब है। खैर, मुझे इसका स्वाद लेने के लिए तुम्हारे तरबूज को काटना होगा। वाओ, मैंने पहले कभी नीला तरबूज नहीं देखा था।
चलो खा कर देखती हूँ। और इसका स्वाद भी अद्भुत है। सोफी शाबाश, देखते हैं दादी ने मेरे लिए क्या किया है। कितना बढ़िया पारदर्शी तरबूज। वाह, यह कैंडी बार है, बहुत ही स्वादिष्ट जेली। शेफ सैम, आपने कुछ कमाल का बनाया है। मैंने पहले कभी तरबूज का केक नहीं देखा। वाह, यह अद्भुत है, यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर है। और इस बार सभी जीतेंगे। ओह रे, दोस्ती जीत गई है, हम कितने अच्छे साथी हैं। मुझे इस बार पॉपकॉर्न चाहिए, क्या आप इसे बनाएंगे? आसानी से। इसके लिए मुझे मकई को जल्द से जल्द पकाना होगा। दादी, पॉपकॉर्न के लिए तैयार बीज है, फिर कुछ पकाना क्यों? बस उन्हें गर्म करना काफी है। और एक हेयर ड्रायर इसके लिए एकदम सही रहेगा। आए, यह क्या है? सोफी, बस करो, तुम्हारे हेयर ड्रायर के कारण सभी बीज मुझ पर उड़ रहे हैं। अब उन्हें अपने कान से बाहर निकालना होगा। उफ। ओ, बस करो, क्या कर रहे हो, मुझ पर क्यों? ओह, दादी, आप भी ना, अब मुझे भी इस चीज को निकालना होगा। नहीं नहीं, उसने किया था। नहीं नहीं, उसने नहीं नहीं, मैंने नहीं। खैर, बस करो, अब बस, बहुत हो गया बकवास। यदि हेयर ड्रायर वाला आइडिया काम नहीं किया तो मैं एक अलग तरीके से पॉपकॉर्न बनाऊंगी। मैं एक वॉफल मेकर का उपयोग करूंगी। मैं इसमें पॉपकॉर्न बीन्स डालूंगी और चॉकलेट पॉपकॉर्न बनाने के लिए कुछ न्यूटेला मिलाऊंगी। और जब तक ये बन रहा है तब तक मैं थोड़ा न्यूटेला खाऊंगी। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत स्वादिष्ट। वाओ। खैर, मैं पॉपकॉर्न को पुराने तरीके से बनाऊंगा, एक फ्राइंग पैन में, और इसमें कुछ मार्शमेलो मिलाऊंगा। पॉपकॉर्न इसके साथ बहुत अच्छा होगा। इसे ढक देता हूँ और थोड़ा इंतजार करता हूँ। वाओ, जरा इस स्वादिष्ट खाना को देखो। अब मेरा पॉपकॉर्न भी पिज्जा पर चीज की तरह स्ट्रेच कर रहा है। देखो जरा, है ना अच्छा। अब इस मांस से मैं बॉल्स बनाऊंगा और इसे मैं सांचों में डालूंगा। अब ये सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं बल्कि एक असली मिठाई है। ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। दादी, आपको ये कैसा लग रहा है? बुरा नहीं है। वैसे मेरा मकई भी तैयार है। मुझे लगता है मेरी पोती इससे उतनी ही खुश होगी जितनी वह तुम्हारे पॉपकॉर्न के साथ होगी, खास करके अगर मैं इस पर बटर अच्छे से लगा देती हूँ तो। ऐसे हर ओर अच्छे से बटर लगा दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना? अरे, यह जलने की गंध कहाँ से आ रही है? हाँ, ये गंध इधर से कहीं से। सोफी, खेलना बंद करो, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा पॉपकॉर्न जल रहा है। सोफी, सच में ये जल गया? और मैं इसे कैसे मॉली को दूंगी? बहुत खराब लग रहा है, लेकिन ठीक है, आशा है उसे थोड़ा जला हुआ भी पॉपकॉर्न पसंद आ जाएगा। चलो देखती हूँ। यह किस तरह की जली हुई गंदगी है, मैं इसे खाने वाली नहीं हूँ। लेकिन मुझे मकई पसंद है, मैं इसे खुशी खुशी खाऊंगी। वाह, स्वादिष्ट। यह बिल्कुल पॉपकॉर्न तो नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। वाह शेफ, आपने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया। फिर आपने कुछ बहुत रंगीन और बहुत स्वादिष्ट बनाया है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, सच में इसके स्वाद का जवाब नहीं है। और इस राउंड का विनर यह है। हुर्रे, मुझे पता था मेरी डिजर्ट सभी को पसंद आएगी। तीसरे दौर में मुझे कुछ और अच्छा चाहिए, एक बर्गर। क्या आप इसे बनाएंगे? आसानी से। तुम्हें पता नहीं कि मैंने अपने करियर में कितने बर्गर बनाए हैं। बेशक हमें कीमा मीट से शुरू करना चाहिए, आखिर एक कटलेट किसी भी बर्गर का आधार होता है। मैं अपने डिश के लिए हमेशा हाई क्लास मीट का ही उपयोग करता हूँ। जब कीमा यहाँ है तो इसमें काली मिर्च और नमक भी होना चाहिए, और फिर एक कटलेट बनाएंगे। यह बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। मैं कटलेट को पैन में डाल रहा हूँ ताकि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए।
इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह! मैं दो छोटे कटलेट कैसे काटूं? ओह वाह! सोफी, तुमने मुझे बचा लिया। यह प्रिंगल्स जार पूरी तरह से सही रहेगा। हाँ, अब उन्हें फ्राई करना है। और जब तक कटलेट पक रहे हैं, मैं बन पर केचप डालूंगी और फिर बाकी सारी सामग्री भी रखूंगी। पहले सलाद, फिर वह कटलेट, टमाटर, चीज और एक और कटलेट, और बेशक यह सब एक और बन के साथ कवर होना चाहिए। और यह बिखरे नहीं, इसके लिए मैं इसमें एक स्टिक लगा देती हूँ। क्या बकवास है, एक बच्चा बर्गर है। बर्गर बड़ा होना चाहिए और मैं एक बड़ा बर्गर बनाने जा रहा हूँ। मैं जितना संभव हो उतना सॉस डालूंगा। मेरा विशाल कटलेट पूरे प्याज और टमाटर, जो निश्चित रूप से सावधानी से कटा हुआ होना चाहिए, और कुछ चीज, इसके साथ बर्गर का स्वाद बेहतर होगा। कितना सुंदर दिख रहा है ना? और मैं इसे एक और विशाल बन के साथ कवर करूंगा। देखो, सब तैयार है। अरे नहीं, मैंने अभी तो कुछ भी तैयार नहीं किया है। मुझे जल्दी एक बर्गर बनाने की जरूरत है। जितना ज्यादा चीज होगा उतना ज्यादा यह स्वादिष्ट होगा। नहीं, यह अभी भी काफी नहीं है, हमें और चाहिए। हाँ चलो, और चीज डाल देती हूँ, बहुत सारे। अब इसकी बात ही अलग होगी। मेरे पास ये बहुत है, मैं सारे डाल देती हूँ। तैयार, अब यह अच्छा है, इसे देखो। आ, नहीं, ये गिर रहा है। ओह, ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे बर्गर को बर्बाद कर दिया। आ, तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं तीन बर्गर में से दो तो खाने वाली नहीं हूँ, वे बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। उफ। और यहाँ दादी का प्यारा बर्गर है, मुझे इसे खाना अच्छा लगेगा। वाह, बहुत स्वादिष्ट। सबसे जरूरी चीज खाना है, इसमें कोई शक नहीं। दादी, आप जीत रही हैं। हुर्रे, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए इसे बनाया था। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही स्वादिष्ट और दिलचस्प किसी भी चुनौती को मिस ना करें। यह आगे और भी अच्छा होने वाला है।